सितंबर माह के राशिफल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर महीना ग्रहों का बहुत बदलाव का महीना है। कई बड़े ग्रह राहु केतु बृहस्पति ये सब अपना घर बदल रहे हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में शनि भी अपना घर बदल रहे हैं, तो आने वाला समय काफी उथल पुथल भरा है। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य कन्या राशि में 17 सितंबर को जाएंगे, राहु कर्क में 9 सितंबर को, केतु मकर में 9 सितंबर को, गुरु तुला राशि में जाएंगे 12 सितंबर को, बुध सिंह राशि छोड़ के कन्या में जाएंगे जो उनकी अपनी राशि है 27 तारीख को, शुक्र सिंह राशि में जाएंगे 16 तारीख को, और अगले महीने अक्टूबर में 26 अक्टूबर को शनि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मिला जुला के ग्रहों का राशि परिवर्तन स्थिति है। चंद्रमा हर नक्षत्र पर से होते हुए अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे और चंद्रमा का गोचर और राशियों पर से भ्रमण अलग अलग राशियों पे क्या फल लेके आया है उसकी अब हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल पंचम भाव में सूर्य के साथ बहुत अच्छी पोजीशन में है। मेष राशि वाले बहुत बेहतरीन स्थिति में है। बृहस्पति भी राशि परिवर्तन के साथ बहुत उत्तम स्थिति पैदा कर रहे हैं। जीवन साथी मिलेगा, कईयों के विवाह होंगे, रुके हुए कार्य प्रगति में आएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या राशि में शत्रुजीत योग बनाने जा रहा है, आप बहुत बेहतरीन स्थिति में आ जाएंगे। शनि भी अष्टम भाव से निकल के भाग्यस्थान में आ जाएंगे, बहुत राहत मिलेगी। जो पांव में बेड़ियां पड़ी हुएंगी वो कट जाएंगी और आगे का रास्ता प्रशस्त होगा। मिला जुला के मेष राशि बहुत लाभ की स्थिति में है। राहु केतु का गोचर अभी इतना विशेष फलदायी नहीं है, इसको अभी फलीभूत होने में थोड़ा समय लगेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र तीसरे घर में सिंह राशि में प्रवेश करेगा 16 सितंबर को, बहुत उत्तम स्थिति है। भाई बंधुओं से लाभ है, गाड़ी घोड़ा मकान जायदाद संबंधित लाभ की स्थिति में है। शनि का गोचर अष्टम में होने जा रहा है। अक्टूबर में राशि परिवर्तन शनि के ढैया लगाएगा। वैसे तो शनि वृषभ राशि के मित्र हैं, किंतु फिर भी आठवें शनि अपनी ढैया का फल तो जरूर देंगे। बृहस्पति तुला राशि में जा रहे हैं, शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे, धन की वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा, नई योजनाएं बनेंगी, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट्स खासतौर पर ध्यान रहे कि चौथे भाव का मंगल सूर्य फिर सूर्य का गोचर कन्या राशि में कोई अच्छी स्थिति नहीं बता रहा है। स्वास्थ्य संबंधित आपको परेशानियां
रहेगी। चंद्र अष्टम की स्थिति 28-29 को बन रही है, तो इस दिन पानी से थोड़ा दूर रहें, नदी तालाब में नहाने जाना या कहीं ऐसी बरसातों के दिन हैं तो पानी संबंधित परेशानियां व्याधियां आपको विचलित कर सकती है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि का स्वामी बुध प्राकर्म भाव में और मास अंत में चतुर्थ भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 27 तारीख को। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति बहुत उत्तम स्थिति में पहुंच गए हैं, पंचम भाव में जा रहे हैं 12 तारीख को, बहुत अच्छी स्थिति बन गई, लाभ की स्थिति में आ गए, धन का आगमन होगा, धर्म की वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी, संतान से लाभ होगा, थोड़े तामसी भोजन से बचें, राहु का गोचर इतना सपोर्टिंग नहीं है, खान पान पे काबू रखें, पायल से संबंधित, पेट से संबंधित, उदर संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। चंद्राष्टम की स्थिति मासांत में 30 तारीख को चंद्राष्टम में है, 30-31 को विशेष ध्यान दें।